क्या आप भी इंग्लिश में सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन हिंदी का टॉर्चर सामने आ जाता है? वेल, यू आर नॉट अलोन। हम सभी के साथ ऐसा होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समस्या का हल और सीखेंगे इंग्लिश में सोचने के कुछ मजेदार तरीके। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल बिजनेस स्पोकन इंग्लिश, वेयर इंग्लिश लर्निंग इज नॉट ओनली ईजी बट ऑल्सो फन। आज हम बात करेंगे ऐसे स्किल की जो आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी में बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी इंग्लिश में सोचना। और चिंता मत कीजिए, ब्रेन को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाई थिंकिंग इज इन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, सिंपल स्टेप्स टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, फन एक्सरसाइजेस टू प्रैक्टिस, एंड हाउ टू मेक इट अ डेली हैबिट। इन चारों को मिला के आपकी थिंकिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, वो भी इंग्लिश में। अब व्हाई थिंकिंग इन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, सोचिए अगर आपको हर बार इंग्लिश सोचने से पहले ट्रांसलेशन करना पड़े तो क्या होगा? राइट, कॉन्वर्सेशन एकदम स्लो हो जाएगी क्योंकि इंग्लिश में सोचना जरूरी है। आप इसके बिना रुके सीधे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हाँ, किसी कॉन्वर्सेशन में हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कभी कभी मिक्सअप करना कितना ऑसम हो सकता है। कैन यू सी दैट? तो सिंपल स्टेप्स टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, हम इसकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स से। पहला स्टेप है कि आसपास की चीज़ों को इंग्लिश में नाम देना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेन है, मैं इसे मिसप्लेस कर देता हूँ, धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कीजिए। फॉर एग्जांपल, आई एम हंग्री, आई नीड वाटर। अब धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपने नंबर्स ऑफ वर्ड्स पे फोकस किया, अब नंबर ऑफ फ्रेजेस पे फोकस किया, अब नंबर ऑफ क्लॉजेस बनेंगे और इसी तरह से सेंटेंसेस, और धीरे धीरे आप एक लाइब्रेरी हो गए। अब धीरे धीरे आपके थॉट्स इंग्लिश में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देगा आपका ब्रेन। और उसके बाद हाँ, इसमें कोई गलती हो जाए तो खुद पे हंसने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अब फन एक्सरसाइजेस समझते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बारी है कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस की। हाँ, एक शानदार तरीका है सेल्फ टॉक, खुद से बात कीजिए लेकिन इंग्लिश में। इमेजिन कीजिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बोले। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी अपने माइंड में सिनेरियोज क्रिएट कीजिए और उसे इंग्लिश में रिएक्ट कीजिए। हम सभी जानते हैं कितने बार ऐसे बोरिंग टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं बट हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन उसमें नहीं होता, समझ कुछ नहीं आ रहा होता, बस एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, यस यू आर राइट, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा माइंड सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा होता है, चीजों को यू नो विजुलाइज कर रहा होता है। ये फैन गिर गया, कोई यहां पे किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं यहां पे हीरो बनूंगा, एक दिन तो स्कूल का सेवियर मैं बनूंगा, ऐसी इमेजिनेशन हम लोग करते हैं। तो इस विजुलाइजेशन को इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपका दोस्त आपको आइसक्रीम ऑफर करे तो दिमाग में जवाब दीजिए, या आई लव टू हैव सम आइसक्रीम, वुड यू लाइक टू हैव द सेम? तो आपका ब्रेन कहे हाँ मुझे भी चाहिए, तो जेंटली रिमाइंडेड कि हम इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गॉट इट? ओके, बात करते हैं हाउ टू मेक इट अ डेली हैबिट। कंसिस्टेंसी इज द की, सब जानते हैं। तो इंग्लिश में सोचने की हैबिट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसके रूटीन का हिस्सा बनना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहला जो ख्याल आए उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और दिन भर इसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए। और हाँ, सोते वक्त रात में भी इंग्लिश को ही वैसे ही रिमाइंड करें। अब दिन आप रात में अगर आपका माइंड बोले इनफ, अब बस करो, तो उसे एक चॉकलेट का प्रॉमिस देके फिर से इंग्लिश के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स और टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगे स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। रिमेंबर, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये प्रोसेस नेचुरल हो जाएगा और आप महसूस करोगे कि इंग्लिश में सोचने में कुछ और ही फन है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, थैंक यू।